कभी शिवराज सरकार के मंत्री रहे संत कंप्यूटर बाबा अब शिवराज के खिलाफ ही मैदान में उतर गए हैं। प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में आज मां नर्मदा के तट पर ग्वारी घाट में नर्मदा संसद का एक विशाल कार्यक्रम किया गया, जिसमें कि देश भर के करीब 10,000 से ज्यादा साधु संतों ने शिरकत की। नर्मदा में हो रहे अवैध उत्खनन और गोरक्षा को मुद्दा बनाकर साधु संतों ने शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मंच से ही भाजपा सरकार को उखाड़ कर कांग्रेस की सरकार बनाने का सभी साधु संतों ने आह्वान किया। आज के नर्मदा संसद में पधारे आचार्य प्रमोद कृष्णन ने जमकर शिवराज सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं धन्यवाद देता हूं कंप्यूटर बाबा का, जिन्होंने मन की बात जिस पर की प्रधानमंत्री ने कब्जा कर रखा था उसे अब साधु संतों तक पहुंचा दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि शिवराज सरकार ने नर्मदा में अवैध उत्खनन करवाया, गोरक्षा की झूठी दलील दी। इतना ही नहीं, शिवराज सरकार को सत्ता का अहंकार हो गया है, वो भूल गए हैं कि बीते 15 साल से सरकार बनाने में साधु संतों का अहम रोल रहा है, पर यह सरकार साधुओं को खड़िया बता रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि संतों को मनाया जा सकता है पर डराया नहीं जा सकता। इधर वैराग्यानंद महाराज ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को लेकर कहा कि वहां पर भी बहुत से लोग दावेदार थे, पर मुख्यमंत्री के लिए सबसे पहला नाम जब आया तो वो संत आदित्यनाथ का ही आया। वहीं मध्य प्रदेश को लेकर संत वैराग्यानंद ने कहा कि अब तक जो हम भाजपा सरकार को चुन रहे थे, पर अब की बार कांग्रेस सरकार, जब हम डंके की चोट पर प्रचार करना है तो डरना किसी से नहीं, हमने हमेशा से ही भाजपा का झंडा थामा है पर इस सरकार ने कुछ नहीं किया, इसलिए अब हम सभी साधु संत एक बार कांग्रेस को मौका देंगे। अगर इन्होंने ये भी भाजपा का तरीका अपनाया तो उन्हें भी हटाकर कोई और विषय में सोचा जाएगा। भारतीय न्यूज के लिए जबलपुर से विकास पांडे की रिपोर्ट। पाप करे शिवराज कैसे माफ करे महाराज, कैसे बोले पाप करे शिवराज कैसे माफ करे, फिर से बोलिए पाप करे शिवराज कैसे। महाराज श्री, मैं आप पे भरोसा जानता हूं, समझता हूं। महाराज जी ने अभी नवीनानंद देवी वही बात बोली, कह लगे संत को आप खड़िया पट्टन बोलने लगे। अरे चार संत तो तुम्हारे पास है नहीं, सारे संत विरोध में हो गए। विरोध शिवराज का नहीं है, पक्ष कंप्यूटर बाबा का नहीं है, विरोध नर्मदा को बेच के खा रहे हो उसका विरोध है, विरोध उसका है, विरोध गौ माता तड़प रही है। महाराज हमारे संतों की गौ माता है। महाराज आचार्य कृष्ण प्रमोद जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे मध्य प्रदेश के हमारे संतों की कुटिया तोड़ रहे हैं, सैकड़ों कुटिया काठी घाट में चित्रकूट में तोड़ दी और सैकड़ों कुटिया ओंकारेश्वर में परिक्रमा मार्ग तो हमें भजन नहीं करने दे रहे। इस सरकार से हम इतना परेशान है, हमें भजन नहीं करने दे रहे हैं, इसलिए अब ये संत उसके कारण नहीं, हमें शिवराज से तो तकलीफ नहीं, शिवराज ने जो कर्म किया है, इस सरकार ने जो हमारे हमें लूटा है, हमें ठगा है, ऐसी सरकार को हम संत समाज उखाड़ कर फेंकेंगे, ये निर्णय कर लिया है।